हेलो गाइज, वेलकम मोस्ट टू माय यूट्यूब चैनल चटकार द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट। तो मैं प्रगति चौरसिया आज फिर से आपके लिए लेके आने वाली हूँ न्यू रेसिपी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ अपने किचन में चाउमीन। तो अभी चलते हैं रेसिपी की ओर। सो गाइज, अभी आपको चाउमीन के इंग्रेडिएंट्स से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। अभी हमारे पास ये चाउमीन है और चाउमीन आप जितनी बनाएं उसके अकॉर्डिंग लीजिएगा क्वान्टिटी, और उसी के अकॉर्डिंग आप लीजिएगा पत्ता गोभी। हमारे पास खूब सारा पत्ता गोभी कटा हुआ है। इसके साथ ही हमारे पास दो मीडियम साइज प्याज मैंने कटा हुआ लिया हुआ है और हरी मिर्च कटी हुई ली हुई है, और हमारे पास शिमला मिर्च है कटा हुआ, एक शिमला मिर्च बड़ा साइज का लिया हुआ है। और इसके साथ ही हमारे पास रेड चिली फ्लेक्स है, पिसा धनिया है, अजीनोमोटो है और काली मिर्च पाउडर है, और नमक आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करिएगा। सॉस में हमारे पास ग्रीन सॉस, रेड सॉस, टोमेटो सॉस और इसके साथ ही हमारे पास सोया सॉस है। तो सॉस का यूज़ भी आप अपने अकॉर्डिंग करिएगा, जितना आपको टेस्ट अच्छा लगता हो। तो अभी चलते हैं चाउमीन बॉईल कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं चाउमीन कितना बॉईल करना है और कैसे बॉईल करना है। सो गाइस, चाउमीन बॉईल करने के लिए पानी कढ़ाई में मैंने इस तरह से चढ़ा दिया है। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 से 1.5 स्पून रिफाइंड ऑयल, इसको इस तरह से ऐड कर दे रही हूँ। इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच साल्ट, और जब पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी चाउमीन। तो चाउमीन को आपको उतना ही बॉईल करना है कि बहुत ज़्यादा गलना नहीं चाहिए, अपने अकॉर्डिंग आप दबा के देख लीजिए, बस पक जाना चाहिए, उसके बाद निकाल लेना चाहिए। थोड़ा खड़ा ही रखें जिससे वो रखे रखे थोड़ा सा गल जाता है। तो अभी पानी के गर्म होने का वेट करते हैं, उसके बाद चाउमीन डालेंगे इसमें और आपको दिखाएंगे आगे का वीडियो। सो गाइस, पानी अच्छे से गर्म हो गया, आप देख सकते हैं हाफ निकल रहा है। अभी इसमें ऐड कर रही हूँ चाउमीन। चाउमीन इस तरह से ऐड कर देंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे कि कितना पका हुआ है। तो अभी चाउमीन आप अपने अकॉर्डिंग क्वांटिटी लीजिएगा, कितना आपको खाना है। वेट करते हैं बॉईल होने का। तो गाइस, अभी आप देख सकते हैं मेरी चाउमीन अच्छे से बॉईल हो गई है। मैं आपको प्रेस करके दिखाती हूँ, इसी तरह से आप भी प्रेस करके देख लेना, अच्छे से बॉईल हो गई है। और इतना ही बॉईल करना है, बहुत ज़्यादा गलाना नहीं, गला देंगे तो सारी चाउमीन और सब्जियाँ एक में मिक्स हो जाएंगी तो टेस्ट आता नहीं आएगा। तो अभी मैं इसको निकाल लूँगी बर्तन में, उसके बाद इसको फ्राई करूँगी, तब आपको दिखाऊँगी। सो गाइस, इस तरह से छन्नी में मैंने चाउमीन निकाल ली हुई है, छेद वाली छन्नी है, और अभी इसको वॉश कर लेती हूँ। इस तरह से वॉश कर लेंगे ताकि आपस में चिपके नहीं, और वॉश करने के बाद इसमें ऑयल लगा के इसको रख देंगे, रखेंगे उसके बाद इसको बनाएंगे। तो अभी चाउमीन को अच्छे से वॉश कर लिया है, इसमें इस तरह से रिफाइंड ऑयल अच्छे से लगा लूँगी। सारी चाउमीन में ऑयल लगा दी मैंने, वो इसलिए लगाना है ताकि चाउमीन आपस में चिपके नहीं। वैसे तो चिपक नहीं रही, लेकिन फिर भी ऑयल लगा दे रही हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अभी ऑयल लग गया है अच्छे से, आप देख सकते हैं। अभी चाउमीन को फ्राई करने चलते हैं। सो गाइस, अभी यहाँ पे हमारे पास कुछ छोटे वाले न्यूट्रेला स्मॉल साइज़ के हैं, जिनको मैंने अच्छे से पानी में फुलो दिया था और वो भीग गए अच्छे से। इनको हम फ्राई कर लेंगे। न्यूट्रेला मैंने आपको पहले नहीं दिखाया था क्योंकि कुछ लोग खाते हैं कुछ लोग नहीं खाते हैं, बट मैं पहले ही इसलिए भून रही हूँ इनको। कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल इस तरह से ऐड करके इनको पहले ही इसलिए भून रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ भी कुछ लोग खाते कुछ लोग नहीं खाते, तो मैं पहले भून के निकालूँगी और बाद में ऐड करूँगी आधी चाउमीन में। तो कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है 1 स्पून तक, इसमें मैं न्यूट्रेला का पानी निचोड़ के उसमें अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो इस तरह से सारे न्यूट्रेला ऐड कर देने इसमें और इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है, उसके बाद आपको दिखाएंगे आगे की चीज़ें फ्राई करते हुए। सो गाइस, आप देख सकते हैं न्यूट्रेला अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं इस तरह से, और इसमें और ऑयल ऐड करेंगे और आगे की चीज़ें फ्राई करेंगे। सो गाइस, अभी कढ़ाई में फिर से 1 से 1.5 टीस्पून टेबल स्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ, और इसमें ऐड करूँगी शिमला मिर्च। अभी फ्राई करूँगी, ऑयल गर्म हो जाएगा फिर मैं फ्राई करूँगी शिमला मिर्च। तो अभी ऑयल अच्छे से गर्म हो गया, इसमें ऐड करूँगी कटा हुआ मिर्ची, हरी मिर्च जो मैंने कट की हुई थी, और उसी के साथ ऐड करूँगी शिमला मिर्च जो कट की हुई थी। इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर देंगे, उसके बाद इसमें इसके साथ ही ऐड कर देंगे प्याज। सो गाइस, अभी शिमला मिर्च फ्राई हो गया है लगभग,
थोड़ा सा बाकी है तो वो प्याज के साथ फ्राई हो जाएगा। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कटा हुआ प्याज इस तरह से, और इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। पूरा फ्राई हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड करूँगी पत्ता गोभी। पत्ता गोभी पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तो उसको लास्ट में ऐड कर रही हूँ। अच्छे से प्याज को फ्राई कर लेना इस तरह से। जब प्याज बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाएगा तब ऐड करूँगी पत्ता गोभी। तो अभी वेट करते हैं इसके फ्राई होने का। तो गाइस प्याज भी अच्छे से फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। अभी इसमें ऐड करती हूँ पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी इस तरह से ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो पत्ता गोभी को चलाते हुए इस तरह से 2 मिनट से पका लेंगे। बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि ये ऐसे ही खड़ा खड़ा अच्छा लगता है, तो 2 मिनट ही पकाना है। उसके बाद ऐड करेंगे इसमें चाउमीन। तो गाइस पत्ता गोभी को 2 मिनट अच्छे से फ्राई कर लिया, आप देख सकते हैं अच्छे से पक गया है। अभी इसमें ऐड करते हैं चाउमीन। तो सारी चाउमीन इसमें ऐड कर देंगे इस तरीके से और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ ऐड करेंगे सारे मसाले। तो मसाले में मैं ऐड कर रही हूँ पिसा हुआ धनिया, 2 चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ। आपको अगर नहीं पसंद है तो स्किप भी कर सकते हैं, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं लाल मिर्च थोड़ा सा ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है हमारे यहाँ किसी को। और यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर एंड 1 टीस्पून अजीनोमोटो। अजीनोमोटो के साथ आप यहाँ पे विनेगर का यूज़ भी कर सकते हैं, हमें टेस्ट मिल जाता है अजीनोमोटो से, तो मैं उसको स्किप कर रही हूँ यहाँ पे। और इसके साथ ही नमक यूज़ करेंगे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर लीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद दिखाएंगे सारे सॉस। तो अभी सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अभी ऐड करते हैं सॉस। तो यहाँ पे सोया सॉस यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास लाइट वाला सॉस है तो मैं थोड़ा ज़्यादा यूज़ करूँगी। अगर आपके पास डार्क वाला है तो आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ ऐड करूँगी चिली सॉस। टोमेटो सॉस अगर सबको पसंद है तो आप ऐड करिएगा, अदरवाइज आप स्किप कर दीजिएगा। जिसको पसंद है वो अपने हिसाब से ऐड कर लेगा। मैं थोड़ा सा ही यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ। और उसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी डाल के और फ्राई कर लूँगी अच्छे से। इसको लो फ्लेम पर ही फ्राई करूँगी जिससे ये जले नहीं, और उसके बाद इसको टेस्ट करने के लिए रेडी है। अभी सोया बड़ी बची हुई है जो मैंने दिखाई थी आपको फ्राई की हुई, वो भी इसी के साथ ऐड कर दे रही हूँ। काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है तो मैं ऐड कर रही हूँ, मुझे पसंद है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। अभी मिक्स कर लेंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे और फिर सर्व करते हुए आपको दिखाएंगे। सो गाइस चाउमीन हमारी अच्छे से मिक्स करके बहुत अच्छे से मैंने फ्राई कर लिए, फ्लेम थोड़ा तेज़ करके फ्राई कर लिए ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। बस ध्यान रखना कि चाउमीन जलनी नहीं चाहिए, तेज़ फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करो। और उसके बाद टेस्ट करने के लिए रेडी है। अभी मैं आपको सर्व करके दिखा देती हूँ। तो इस तरह से प्लेट में मैं सर्व कर रही हूँ और चाउमीन हमारी खाने के लिए रेडी है। सो गाइज आप देख सकते हैं एकदम मार्केट जैसी चाउमीन बना के तैयार कर ली है और काफ़ी यम्मी भी लग रही है देखने में। तो अभी खाने के लिए देने वाली हूँ मैं, काफ़ी यम्मी लग रही है, वेट नहीं हो रहा है। मैं चल रही हूँ खाने। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर सकते हैं तथा शेयर भी कर सकते हैं।